हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हो चुके 4 फरवरी और मैं जा रहा हूँ चंडाक। ताजी ताजी बर्फ गिरी है कल और आज भी पड़ेगी बर्फ। सुनो को आज भी होगा पिथौरागढ़ शहर में। तो 10 दिन बाद है वोटिंग, यूपी और उत्तराखंड का इलेक्शन। आप अपना वोट सोच समझ कर देना। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, मेरा तो वोटर कार्ड भी नहीं है और मेरा हक नहीं वोट देने का, क्योंकि मैं यहाँ सेटल नहीं हूँ, दिल्ली सेटल हूँ। उत्तराखंड से अब मैं मुटाउन घूमने आता हूँ। आज आपको दिखा रहा हूँ बर्फबारी। बर्फ देखो ने, अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, हल्का स्नोफॉल हो रहा है दोस्तों। और स्नोफॉल होता ना तो उसमें तो बहुत ही मजा आता है। चंडाक में देखो कितनी बर्फ पड़ी है। यहाँ देखिए लोग आप पिकनिक मना रहे हैं काफी दूर दूर तक, और टॉप में भी यह चंडाक। अभी स्नोफॉल हो रहा है, मैं स्नोफॉल भी दिखाता हूँ आपको। पब्लिक पूरी बर्फ के मजे लेते हुए, और हल्का हल्का स्नोफॉल हल्का हो रहा, अभी थोड़ी देर बाद ज़्यादा होगा। और इस बार बर्फ काफ़ी ज़्यादा ही पड़ी है और पड़ेगी, सबसे ज़्यादा इसी साल पड़ेगी बर्फ काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले ही 3-4 बार स्नोफॉल हो चुका है और आज भी हो ही रहा है। और देखिए पूरा शहर कितना प्यारा लगता है चंडाक से। हम चंडाक से वापस आ गए और यहाँ भी हल्की हल्की बर्फ है। चंडाक में तो थी 1-1.5 फीट बर्फ। सारे लोग पिकनिक मनाने आए यहाँ पे, और देख ही रहे कितनी भीड़ लगी आज। कम से कम यहाँ से लेकर चंडाक तक पूरा रस है, बर्फबारी का मजा ले रहे लोग बात। और अब मुझे लग चुकी भूख, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। आज ब्रेकफास्ट भी हल्का किया था मैंने। और यह है पिथौरागढ़ शहर बैकग्राउंड में। अब मैं लंच करूँगा कहीं पे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। और अभी दोबारा कहूँगा आप लोग को, आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन लाल घंटी टंग टंग टंग।